जिनके पास एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध हुआ है, लक्ष्मी माता कभी उनसे दूर नहीं जा सकती। ये तो रुद्राक्ष का प्रभाव है संपदा के लिए, संस्कृति के लिए, संतति के लिए वरदान है रुद्राक्ष। बस मैं एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा भगवान शंकर ने अपने मुख से गाई है। नश्यन्तु उपद्रवा सर्वे सर्व कामा भवन्ति ही। जहां यह होता है वहां अग्नि नहीं लगती, वहां बाढ़ नहीं आती, वहां प्रकृति प्रकोप से लोग बच जाते हैं। यह इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है, एक मुखी रुद्राक्ष। लिंग पुराण तो यह कहता है कि व्यक्ति को सुबह स्नान के तत्पश्चात नित्य रुद्राक्ष दर्शन करना चाहिए। रुद्राक्ष का दर्शन करने से ऐसा लगता है कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्रूपों का दर्शन हो गया है, ऐसी महिमा लिंग पुराण में है। तो अपने मंदिर में रुद्राक्ष की माला महादेव के लिए रखिए, इसमें वो बड़े राजी होते हैं। सुबह जब आप पूजा में बैठेंगे तो दर्शन तो हो ही जाएगा उसका, नित्य दर्शन करें। और आनंद की बात यह है कि इस रुद्राक्ष को स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब पहन सकते हैं, चारों वर्णों के लोग पहन सकते हैं। ये इस ग्रंथ में लिखा है। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उन्होंने बड़ी मौज कर दी है भक्तों के लिए, अपना प्रसाद अपनी कृपा भेज दी है रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष के पेड़ लगाने की बड़ी महिमा है। यहां लांजी के काफी भक्त बैठे हैं, बैठे हैं, कितने बैठे हैं, हाथ उठाएं। एक काम कर देना आप, मेरा हृदय बोल रहा है, लांजी शहर से जब कोटेश्वर महादेव के रास्ते पर जाते हैं तो दोनों साइड में, सड़क के दोनों साइड में इतने बेल वृक्ष लगा देना कि लोग गिन ना पाए कितना लगा दिया है दोनों साइड में। फिर मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए। आप सब मुझसे डेट मांगते हैं कथा के लिए, लेकिन आने वाले समय में बिना किसी के कहे हुए कोटेश्वरनाथ भगवान के दरबार में एक विशाल लिंग पुराण की कथा सुनाऊंगा। लिंग पुराण बहुत बड़ा उत्सव होगा और इसको हम बिल्व उत्सव के नाम से मनाएंगे। बिल्वो उत्सव, पूरी दुनिया होगी वहां पर, मेरी श्रद्धा है महादेव के प्रति। और ये कथा तब होगी जब लांजी शहर से लेके कोटेश्वर महादेव के मंदिर तक दोनों साइड में बेल वृक्ष निकल करके ऊपर आ गए होंगे तब। अब के बार सावन का महीना आवे, दोनों साइड में इतने बेल वृक्ष लगा दो, आनंद हो जाए। मैं कोटेश्वरनाथ की प्रेरणा से बोल रहा हूं ये बात, आनंद हो जाएगा। बेल से, रुद्राक्ष से, गंगा जल से, तुलसी मंजरी से और भस्म से और चंदन से, पांच चीजें, पांच ऐसे महादेव अति प्रसन्न होते। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। मैंने लिंग पुराण की एक बात आपको अभी रख दी है, जो नित्य रुद्राक्ष का दर्शन करते हैं उनको रोजाना भगवान के द्वादश ज्योतिर्रूप का दर्शन घर बैठे होता है। इतनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष। ये बेलपत्र जब आप लगाएं तो मुहूर्त मैं आपको बता ही देता हूं, सावन के महीने में, सावन शुक्ल पक्ष में हरियाली तीज आती है, बस उस दिन मंगलवार ना पड़े, धरती खोदते नहीं है उस दिन से आप आरंभ कर दें। भैया राजेश अग्रवाल जी लग जाएंगे बेल वृक्ष, पूरी शायद
शहर से लेकर के जहाँ जहाँ जगह है, जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ, दोनों साइड से मंदिर तक लगे बेल वृक्ष, आनंद होगा। आज भगवान कोटेश्वर नाथ को दुनिया के 200 देशों में लोग सुन पा रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूं, भगवान ये बात मेरी जीभ से बुलवा रहे हैं। भाग्य है मेरा। ये उन्हीं की प्रेरणा से मैंने यह अनाउंस कर दिया है कि आने वाले समय में इनके दरबार में विराट बेलू महोत्सव लिंग पुराण की कथा होगी। आने वाले समय में कभी इतना बड़ा आयोजन होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, महादेव की कृपा से कोई कार्यक्रम छोटा तो होता ही नहीं है। उनकी कृपा से पूरा बालाघाट शहर बस जाएगा, वहां इतना बड़ा आनंद होगा। ये मैं हृदय से ये बात बोल रहा हूं और भगवान की प्रेरणा से बोल रहा हूं। ये मैं कोई सोच के नहीं आया हूं कि मुझे जाके ये बोलना है, बस बोल दिया है। उनकी इच्छा रही होगी लिंग पुराण सुनने के लिए, इसलिए उन्होंने बुलवा दिया है। भगवान शंकर के शिवलिंग के बारे में जितना लिंग पुराण में लिखा है उतना कहीं है नहीं दूसरी जगह। तो यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। जो भगवान को, शंकर को स्नान के तत्पश्चात माला चढ़ाते हैं रुद्राक्ष की, उनसे लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है, आप नेत्र बंद करके उसका आह्वान स्मरण कर सकते। इससे अलक्ष्मी नहीं आती, आनंद की बात है। अलक्ष्मी उसे कहते हैं जो पैसा किसी की हत्या करवाए, जो व्यसन, ऐसा पैसा। पैसे में 48 दोष है। धन आता है तो लोगों को दुराचारता आके घेर लेती है, व्यभिचारी बन जाते हैं, दूसरी स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, ज्वारी हो जाते हैं, उटपटांग काम करते हैं। पैसा आता है, स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष का स्मरण करने से लक्ष्मी कुलक्ष्मी नहीं बनती, यानी वो धन अपराध नहीं कराता। एक मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा? एक मुखी रुद्राक्ष है ये। अब है दो मुखी, इसकी क्या महिमा है? द्वक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा विशेषता सरोद्राक्षो गोवधम नाशयोद्रुतम। दूसरा है दो मुखी रुद्राक्ष, बड़ी इसकी महिमा है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति कर देता है, संकल्प पूर्ति कर देता है। विशेषता सरोद्राक्षो गोवधम नाशयोद्रुतम। आपने कभी देखा हो, सुना हो, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई पशु रास्ते में गाड़ी के आगे आ जाता है, टकरा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी गैया भी आ जाती है, नील गाय आ जाती है। नील गाय बड़ी पूज्य है। नील गाय जो वन में गैया रहती है उसको नील गाय कहते हैं। ऐसा वर्णन है कि नील गाय का सींग ऊपर नीचे चांदी मड़वा कर उसको सृंगी बनाकर उससे अभिषेक किया जाए तो एक अभिषेक का फल तत्काल 100 गुना में परिणित हो जाता है, डायरेक्ट 100 गुना होता है वो। नील गाय की इतनी बड़ी महिमा है। आज लोग मार भून करके खा रहे हैं, इतना बड़ा अपराध कमा रहे हैं। भगवान शंकर को नील गाय अति प्रिय है, बहुत ज्यादा। जैसे कृष्ण को ये देसी गैया प्रिय है, महादेव को नील गाय अति प्रिय है। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है, तुलसी तपोवन गौशाला पूरी सर्दियों में 200 बीघा हरा चारा बोकर इस नील गाय को बचाने का काम कर रही है गौशाला। खुद बाजार से चारा खरीदती है गौशाला अपने लिए। जो बरेलू जो बन की नीली गैया है उसको ये किसान लोग तार वार लगा करके मान न डाले,
उनके लिए, वो खूब चरती हैं तो भी खूब होता है, इसके प्रति श्रद्धा हो। उसके सींग में दूध भर के उसको सृंगी बना करके और भगवान महादेव का अभिषेक होता है। तो वर्णन है कि जैसे कभी किसी घटना में कैसे भी अनभिज्ञता में अनजान में कोई भी जीव की हत्या हो गई है, कभी बंदर ही मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, और भी कोई ऐसी जीव हत्या हो जाती है, उसके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़े प्रायश्चित का काम करता है। याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है, दो मुखी रुद्राक्ष, बड़ी महिमा है इसकी, अनजान में होने वाली हत्या, जीव हत्या, चाहे वो गौ माता है चाहे और कोई जीव है, दो मुखी रुद्राक्ष के द्वारा उसको धारण करने से, देखो जानकर अपराध करो तो उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं है, अनजान में जो हुआ है उसके प्रायश्चित से महापुराण में रुद्राक्ष महात्म्य में लिखे हुए हैं जो इस समय आप सुन रहे हैं। ये रहा दो मुखी रुद्राक्ष, अब है तीन मुखी। कहां से आए माता हैं आप? हाँ, इधर तीन मुखी रुद्राक्ष, आपका ध्यान इधर हो, इसकी क्या महिमा है। त्रवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षं साधन सदा तत्प्रभाव भवेद्युर्व्यं विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, तीन मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है कि इसको विद्यार्थियों को पहना दो तो वो पढ़ाई लिखाई में आलस्य नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, गलत मित्रों का कोई उनके ऊपर असर नहीं जमेगा। विद्यार्थी जीवन में जो बन गए वो बन गए, इस जीवन में जो बिगड़ गए वो काम से गए। विद्यार्थी जीवन एक साधु की साधना से भी बढ़कर तपोनिष्ठ है। मैंने अपना विद्यार्थी काल देखा है, इसलिए मुझे कहीं से प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक महात्मा की तपस्या से भी बढ़कर तपस्वी जीवन विद्या अध्ययन रथ का वो समय है जिसमें संघ के बच्चे बिगाड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, सिगरेट पिलाने को कहेंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू शराब और उटपटंग कर्म, हिसाब कराने के लिए बड़ा जोर देते हैं, सौगंध खिलाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये तीन मुखी रुद्राक्ष ऐसा है, गलत लोगों का असर नहीं जमेगा इससे विद्यार्थी काल में। तुलसी वन आश्रम ने दुनिया भर के तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों के निमित्त इस 22 महीने में भेजे। तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों के कंठ में धारण कराइए। देखो ये तो स्पष्ट लिखा है, विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। ये तो कोई बनावटी बात तो है नहीं, मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। विद्या आके अंदर बैठ जाएगी। आनंद की बात यह है कि व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान दोनों ही आके बैठ जाएंगे। पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। ये तीन मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा महात्म्य है। आप नजर वट्टू तावीज पता नहीं बच्चों के गले में क्या क्या लटकाते रहते हो, पीर पैगंबर पर जाके क्या क्या ले आते हो, क्या क्या डाल देते हो उनके गले में, हाय डाल देते हो चांदी की बनवा करके, धाय डाल देते हो और पता नहीं क्या क्या डालते हो। बच्चों के कंठ में तीन मुखी रुद्राक्ष पहनाइए, बच्चों के पास विद्या होगी, विद्या अध्ययन रत जीवन जिएंगे, वो मेधावी बनेंगे, यशस्वी बनेंगे, प्रभावी बनेंगे। मैंने तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा, इसका मैंने प्रभाव देखा है। आप तीन मुखी रुद्राक्ष अपने बच्चों को पहनाइए, तत्प्रभावात् भवेद् योरियम विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है, क्या प्रभाव है, विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, संपूर्ण विद्याएं उनके पास आ जाती हैं।
उन बच्चों के पास, उनके पास काबिलियत ही आ जाती है, बेटियां बेटे सब पहन सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। साक्षात साधनत सदा माँ सरस्वती वास करती है इसमें। तीन मुखी रुद्राक्ष, उसके बाद में है चतुर्मुखी, चार मुखी। इसका क्या प्रभाव है? चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शना स्पर्शना सद्यश्चतुर्ग वर्ग फल प्रदान। चार मुखी रुद्राक्ष नरहत्या जैसा कोई अपराध हो गया हो उससे इसका प्रायश्चित हो जाता है और इसके दर्शन मात्र से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा प्रभाव है कि भजन में पूजा पाठ में नींद नहीं आएगी, हाँ धर्म में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, रात्रि को सोने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नींद अपने आप आ जाएगी। पूरी माला पहन के बनाओगे तो उतारनी पड़ेगी, इसलिए एक एक दाना डालिए। चार मुखी रुद्राक्ष, इसके दर्शन मात्र से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। जिनको जो अनिद्रा की बीमारी है, जो सो नहीं पाते हैं, उनके लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है ये। धार्मिक कार्यों में मन लगे उनके लिए भी ये परम साधन है। अर्थ कमाने में मन लगे उसके लिए भी परम साधन है। घर के लोगों से पटे, कभी कभी ऐसा होता है लोग बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और घर के लोगों के लिए वो दुश्मन की तरह खड़े होते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं बाहर के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मम्मी पापा के लिए दुश्मन की तरह होते हैं, घर के लोगों के लिए वो दुश्मन की तरह होते हैं। तो ये रुद्राक्ष ऐसा है जो चार साधन देता है। साधन चार है जिसे पुरुषार्थ के रूप में बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कौन घुस गया इसमें? इसमें कोई घुसा है? देखो कोई है इसमें? कौन है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये चार मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है अपने आप में। उसके बाद में है पांच मुखी, पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नार्मता प्रभु। पांच मुखी रुद्राक्ष का नाम महाकाल है। आजकल बाजार में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो रुद्राक्ष है वो पंचमुखी है, इसके प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र स्वयं महादेव है, कालाग्नि नार्मता प्रभु महाकाल है ये। सर्व मुक्ति प्रदशैव, मौत के समय पर कष्ट नहीं होता प्राण निकलने में, ये इसका प्रभाव है। नहीं तो आदमी जब मौत को प्राप्त होता है तो इतनी वेदना होती है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, मरने के समय पर इतना कष्ट होता है कि 20 लाख बिच्छू एक साथ 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, छटपट आते हैं। जीव को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो जीव को मरने में 6 महीने लगते हैं कम से कम। 6 महीना तो उनके लिए जो पुण्यात्मा लोग हैं, अपराधी हैं पापी हैं वो तो 10-10 साल चारपाई पर पड़े रहते हैं। जितना भी ये धर्म सदकर्म किया जाता है अंत सुधर जाए, मौत सुधर जाए, मृत्यु ठीक से हो जाए, अर्थी में अंतिम संस्कार करने वाला कोई हो, मौत बिगड़े नहीं, अंत समय बिगड़े नहीं, उसके लिए इतना ये शुभ सत्कर्म किया जाता है। तो इसमें वर्णन है कि जो पांच मुखी जो रुद्राक्ष है वह मृत्यु को नहीं बिगड़ने देता, अंत में प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता। सर्व मुक्ति प्रदर्शय, वह स्पष्ट लिखा है सर्व प्रकार से ये पांच मुखी रुद्राक्ष है
वह जीव को मुक्ति प्रदानित करता है। एक तो इसका ये प्रभाव है और दूसरा क्या है सुन, ये सगरी बातें आप भूल जाएंगे, बस तब तक ध्यान है आपको जब तक 7 बजे की आरती नहीं होगी, तब तक आरती हुई नहीं क्या, भूले नहीं बिल्कुल। कुछ तो झड़झड़ा के चले जाते हैं, खड़े होंगे तो कपड़े झड़ाएंगे, जे लो अपनी कथा संभालना, जा रहे हैं खाली होके, कल आके फिर डिब्बा भर लें, कथा को झड़ा करके यहीं मन छोड़ना, कथा को लेके जाना। बहुत लोग कथा में बैठते हैं और बहुत लोगों के अंदर कथा बैठती है। एक बात हमें बताओ, एक बढ़िया अच्छे निपनिया दूध की, प्योर दूध की खीर बनाई जाए और पतीला भर के रख दें सामने, तो खीर खा लें तो ठीक है या पतीले में बैठ लें तो ठीक है? हैं, पतीले में बैठ जाएं, खीर खा लें तो ज़्यादातर ऐसे तो लोग पतीले में ही बैठ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं पर कथा अंदर नहीं बैठ रही, कथा अंदर बैठे। हाँ, ये खीर पतीले में ही ना धरी रह जाए, इस कथा की खीर को अंदर पहुँचाइए। ये तो 9 दिन की कथा है, सच तो ये है 1 दिन की कथा का एक शब्द पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरे जीवन को बदल सकता है। कथा तो वो टॉनिक है, शिव इस कथा के बिना नहीं रह पाते, देवता इस कथा में अपना ऊपर का लोक छोड़ करके मृत्यु लोक में इस कथा को ढूंढते रहते हैं और मनुष्यों के हृदय में बैठकर वो उस कथा को श्रवण करते हैं, देवता इस कथा के लिए इतने लालायित रहते हैं। आज कुछ माताएं कन्याकुमारी जा रही थी, मुझे पूछने आई है अभी उधर, कहा महाराज जी हमारी सहेली हमारे संग आई है, वो सब कन्याकुमारी जा रही हैं, 3 दिन लगेंगे आने जाने में, हम भी चले जाएं क्या? हमने कहा कि आपको कन्याकुमारी का दर्शन बहुत बार मिलेगा, गोस्वामी मठ के इस पवित्र परिसर में कौशिक महाराज के माध्यम से गाई जाने वाली ये शिव पुराण की कथा द्वारा नहीं मिलेगी कभी, अनवरत अनुष्ठानिक रूप में जो कथा चल रही है नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जहां तक बने कथा ना छोड़ना। आप घर ये कह के नहीं आए थे कि हम कन्याकुमारी घूमने को जा रहे हैं, मैं माँ का भगत हूं, माँ मुझसे रूठेगी नहीं ये बात कहने में, माँ तो खुश होगी, कहेगी बेटी मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी, अभी मेरे पति महादेव की कथा वहीं बैठ के सुन लो, वो कहेगी। आप कथा मन छोड़ना, जहां भी दिन में आप घूमने घामने को जाते हो कथा के टाइम पर कथा में लौट आइए। मुझे लगता है कि उम्र ने पलटा खाया है, आप थक भी जाते होंगे, फिर भी कोशिश कीजिए कि कथा के टाइम पर आप कथा में पहुंच जाएं। थोड़ा टाइम से ना पहुंच पाए तो थोड़ा सा लेट पहुंच जाएं, लेकिन हाजिरी दोनों शिफ्ट में लगाइए, प्राय तो कथा आजकल एक ही शिफ्ट में होती है, आखिर में तो मैंने यहाँ की कोई महिमा समझी है, सो दोनों शिफ्ट में कथा गा रहे हैं। मेरे तो आयोजक ने ये कहा था महाराज जी 12 बजे से 4 बजे कथा सुना दो बहुत है, लेकिन मैंने एक दिन इन्हें टेलीफोन में बोला इस कार्यक्रम को तो जैसे मेरा मन करता है मुझे वैसे करने देना। इनके बेटे का फोन आया, वो बोले महाराज जी आयोजन आपका है, ये सब कुछ आपका है और आपको जो अच्छा लगे वो करना। मन राजी हो गया था, मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया। देखो इतनी दूर आए हैं, सागर किनारे बैठे हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चर्चा हो, हरी चर्चा हो, तो उसमें महादेव राजी होगा है। ये दुनिया भर की बातें करने को तो घर ही बहुत होता है, ये तो सब छोड़ छाड़ के आए ही हैं, यहाँ तो भगवत चर्चा हो। और मुझे लग रहा है कि मैं आपका कितना भी टाइम ले रहा हूँ इसमें आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, आपका मन तो नहीं करता होगा कि आरती जल्दी हो जाए, यह लगता होगा कि ये कथा अनवरत थोड़ी और चले और चले और चले।
मुझे 22 महीना हो गए कथा कहते हुए, एक लगातार स्पीड में, ये तो 26 साल हो गई, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है कथाओं से। मैं अभी इन कथाओं के लिए प्यासा ही बैठा हूँ। पता नहीं कब मन भरेगा, मालूम नहीं है मुझे। मेरी टीम भी कहती है कि हमने बहुत वक्ता देखे, बहुतों के संग गए, लेकिन ऐसा पागल आदमी पहली बार मिला है कि लोकथा लोकथा लोकथा, पागल ही। तो पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालानि नामत प्रभु सर्वमुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रदान। यह मौत को सुधारता है पांचमुखी रुद्राक्ष, कामनाओं की पूर्ति करता है। और इस रुद्राक्ष में एक बहुत बड़ा प्रायश्चित छिपा हुआ है। क्या प्रायश्चित छिपा है? अगम्यागमनम पाप, धरती का बहुत बड़ा पाप है। कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ उसने गलत संबंध बनाए, किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इसके महात्म्य में लिखा है कि इतना बड़ा महापाप, अगम्यागमनम पाप, ये बहुत बड़ा पाप है। पांच मुखी रुद्राक्ष के द्वारा इतना बड़ा पाप भी जल के राख हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि खूब कुकर्म करें, दुराचार करें, व्यवचार करें और पांच मुखी रुद्राक्ष पहन लें तो पाप कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटते। रुद्राक्ष पहनने वाला कुकर्मी है तो रुद्राक्ष श्राप दे देता है, किसी काम का नहीं रहने देता, उसके 100-100 जन्म बिगाड़ देता है। अपराध हुआ है, गलती हुई है, मन में सोच लो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। हम भगवान की सौगंध खाते हैं, गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो महादेव का पांच मुखी रुद्राक्ष वरदान उस स्त्री पुरुष को पाप से मुक्त कर देगा। ये पांच मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। और भक्षश्यक्ष भक्षणम, ऐसी चीजें जो खाने पीने के लायक नहीं है, शराब है, मांस है, ये चीजें हैं, तम्बाकू है, जर्दा है, ये सब चीजें कोई खाने की चीजें थोड़ी ही हैं। ये इंसानों की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रुटि गलती हो गई। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जिसने जीवन में शराब पी ही हो, मांस भक्षण किया हो, उसको छोड़ दें, पांच मुखी रुद्राक्ष पहन लें, समझ लो कि भगवान सबके ऊपर स्याही फेंक देगा, ब्रह्मा के लिखे हुए ऊपर सब खत्म कर देगा, कागज कोरा कर देगा। इतना बड़ा प्रभाव इस पांच मुखी रुद्राक्ष का। इसलिए मैं गुरु दीक्षा के समय पर भक्तों को ज्यादा से ज्यादा मैं पांच मुखी रुद्राक्ष ही देता हूं। मैं भी तो पहने हूं अपने गुरु जी का, पांच मुखी है, लाल धागे में, पीले धागे में, या कोई आप चैन वगैरह गले में जो पहनते हैं उसमें ये पहन ले। सोने में ये इसलिए पवित्र होता है क्योंकि स्वर्ण सतोगुण का प्रतीक है, और ऐसा सोना है जो हवा के द्वारा पवित्र हो जाता है। सब चीजें तो पानी से पवित्र होती हैं, ये हवा पाकर के ही पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है स्वर्ण। इस तरीके से ये पहन लिया जाता है। तो अगम्यागमनम पापा अवक्षस्य भक्षणम, उल्टा पुल्टा खाया पिया है, पंचमुखी रुद्राक्ष के द्वारा उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। समझ में आ रही है भक्तों? पांचमुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। मैं पांचमुखी रुद्राक्ष की मालाएं लेके आया हूं और यहां से बस देना शुरू करेंगे। एक मैसेज में लिखा है, श्रद्धा को नमन। महाराज जी, प्याऊ की प्यास पिलाकर ना भरे तो पीने वाले तो कभी भी कथाओं से तृप्त नहीं होंगे। आप पिलाते रहिएगा, हम पीते रहेंगे।
इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। पांचमुखी रुद्राक्ष हर प्रकार के अपराध को पाप को समाप्त कर देता है। पांचमुखी रुद्राक्ष कैसे पता लगे पांचमुखी है? यह रुद्राक्ष है, इसके ऊपर पांच धारी बनी हुई होंगी, एक दो तीन चार पांच, पांच धारी होंगी, चार वाले पे चार होंगी, तीन वाले पे तीन होंगी, दो वाले पे दो होंगी। आजकल रुद्राक्ष का व्यापार बहुत ज्यादा चल रहा है, मशीनों से नकली बहुत बनाए जा रहे हैं। ये चीजें बड़ी श्रेष्ठ है, बस असली मिल जाए। तुलसी वन आश्रम के द्वारा जो भी रुद्राक्ष आपको प्रदानित किया जाता है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता और वो 100% असली है, इसमें कोई नकलीपन नहीं। चाहे रुद्राक्ष की माला हो और चाहे तुलसी की माला। तुलसी वन आश्रम में भी असली तुलसी नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? वहाँ असली ही मिलेगी, वहाँ तो सगरे काम असली है, नकली कुछ नहीं। अब आइए पांच मुखी रुद्राक्ष के बाद है छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और इसकी भी बड़ी महिमा है। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु, साक्षात कार्तिकेय का रूप है। धारणा दक्षिणे भुजे, ये दक्षिण भुजा में पहना जाता है, भुजा में यहाँ यहाँ पहना जाता है। कुछ रुद्राक्ष हैं चोटी पे पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं, कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी हैं जो भुजा में पहने जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष है वो भुजा में पहना जाता है। ब्रह्म हत्यादि कई पापई मुक्षते नात्र संशया, ये उनके लिए ज्यादा प्रभावी है जिनके माथे में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, कुछ ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये हो जाएगा, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो कुछ ऐसे ही उठपटांग ही सोचते रहते हैं। उनका दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, कहाँ कहाँ घूमने को जाया करता है। तो मन को एकाग्र चित्त करने के लिए, ब्रह्मत्व को स्थिर करने के लिए, भगवत बातों को माथे में रखने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष एक वरदान के रूप में है, बड़ा अद्भुत है। ये रुद्राक्ष इतने महंगे हैं, 10,000 रुपए का एक दाना आता है, 20,500 रुपए का एक दाना आता है, 14 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना आता है, इतना बड़ा। कितना रुपया है असली मिलेगा? 20,500। हमें किसी को देना था, हमने कहा भैया 500 रुपया कम ही कर लो, वो कहते हैं 500 ज़्यादा दे दो ना, हाँ 21 का अक्षर भी बड़ा बढ़िया है, एक रुपया भी कम नहीं होगा। इनका इतना बड़ा, मैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष में साधना सिद्ध हो जाती है, तांत्रिक लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाता है उसमें। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है इतनी बड़ी महिमा है, खड़ाऊँ पहनकर आदमी वो सिद्धि उसको मिल जाए पानी के ऊपर सड़क की तरह चल के चला जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष साधना के लिए, किसी मंत्र सिद्धि के लिए, किसी साधना सिद्धि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष, अभी मैं वर्णन करूँगा आगे जब उसका नंबर आएगा। ये उसका अपना इतना बड़ा प्रभाव है। 6 मुखी रुद्राक्ष मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति, क्योंकि पाप ही मुच्छते नात्र संशय। कुछ लोग दिमाग से बड़े मस्तिष्क से बेविचारी होते हैं, बहुत गलत सोचते हैं, बड़े गलत विचार करते हैं। ये जितना भी जो पाप होता है वो पहले सबसे पहले माथे में आता है, मस्तिष्क में आता है, और ये पाप माथे में ही आके ना बैठे तो आगे पाप होगा कैसे? तो नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष है। धारणा दक्षिणे भुजे, दक्षिण हाथ में इसको बांधा जाता है, तो पापीर मुच्छते नात्र संशया, ये तमाम पापों को समाप्त कर देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है।
और यह लोगों को संयमी बना देता है, ब्रह्मचारी बना देता है, ये इंद्रियों को पतित नहीं होने देता। जिनके अंदर बहुत काम हैं, भोगी हैं, व्यसनी हैं, जो लोग स्त्री के बिना, जो पुरुष के बिना बिल्कुल नहीं रह पाए, ऐसे उन कामांध लोगों के लिए धरती पर ये वरदान है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्रत खंडित नहीं होते, इसकी सबसे बड़ी महिमा यह है। उनके व्रत खंडित नहीं होते, उनकी इंद्रियों का पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान कार्तिकेय तो इतने संयमी हैं कि मोर की सवारी करते हैं, और 84 लाख योनियों में एक ऐसा मोर ही तो है जो संतान जन्म देने के लिए उसको मोरनी को पति का स्पर्श नहीं करना पड़ता, मोर के नेत्र के आंसू के द्वारा औलाद हो जाती है, इतना बड़ा संयमी है। इसलिए कृष्ण अपने मुकुट में इसको धारण करते हैं, शिव नंदन कार्तिकेय उसकी सवारी करते हैं। मोर इतना प्रभावशाली है, पंछी बहुत हैं लेकिन मोर बड़ा सुंदर लगता है, और इस धरती पर वही सुंदर लगते हैं जो संयमी है, चरित्रवान है। जिनके पास संयम है, जिनके पास चरित्र की शक्ति है, वह सुंदर लगते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष लोगों को चरित्रवान बना देता है, संयमी बना देता है, इंद्रियों का पतन नहीं होने देता, व्यभिचारी नहीं बनने देता, व्रत को परिपूर्ण करता है। इतनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी महिमा 6 मुखी रुद्राक्ष की है। इस रुद्राक्ष के लिए तो ताली बजा दो एक बार। 6 मुखी, षष्ठम मुखी, अब है सप्तमुखी, 7 मुखी जिसे कहते हैं। इसकी महिमा क्या है कि सप्तवत्रो महिषानी यनंगो नाम नामता धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवे। सप्तवत्रो महिषानी यनंगो नाम नामता धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष है इसका नाम है अनंक। इस रुद्राक्ष का नाम ही है अनंक, और इसकी महिमा ये है, इस रुद्राक्ष को धारण करने से कंगाली खत्म हो जाती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जो ब्याज का पैसा चुकाते चुकाते थक रहे हैं, चुकने में नहीं आ रहा, दरिद्रता संग नहीं छोड़ रही कैसे भी, घर में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, व्यापार फेल हो रहा है, पैसा बाजार में जाके आता नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, इस मृत्यु लोक में दरिद्रता का नाश करने के लिए महादेव का वरदान है 7 मुखी रुद्राक्ष। ये भगवान शंकर स्वयं अपने मुंह से बोले। मैं तो कहूंगा A to Z 7 मुखी रुद्राक्ष ये सबके मंदिर में होना चाहिए, इसकी पूजा करो, इसको मंदिर में रखो, पूजो इसको। व्यापार में जाते हो, दुकान पर जाते हो तो महादेव के सन्मुख उसका दर्शन करके जाइए। उसको स्पष्ट लिखा है, वर्णन किया है, दरिद्रो ईश्वरो भवेत, ये दरिद्रता का नाश करता हुआ ये 7 मुखी रुद्राक्ष परमात्मा की तरह उस जीव को वैभव युक्त बना देता है। बड़ा महंगा आता है, कॉस्टली है। तुलसी वनाश्रम ने किसी प्रसाद में काफी वितरण किया था, ये बहुत दिए थे। आप में ऐसे जन बैठे होंगे जिनके घर 7 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष गया होगा, एक इतना बड़ा सा होता है, बड़ा प्रभाव है ये कंगाली काटने के लिए, दरिद्रता काटने के लिए, ये वरदान है इस मृत्यु लोक का।
इसका नाम है अनंक। धारणात सदेवेशी दरिद्रोही स्वरूपवेत। हे दुर्गा पार्वती जगदम्बा, जो भी इसको पूजते हैं या धारण करते हैं, ये ऐसा है, इसको पहन भी सकते हैं और पूज भी सकते हैं मंदिर में। हे देवी, दरिद्रता का नाश हो जाता है, उसका वैभव ईश्वर की तरह बढ़ता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष भक्तों, समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रही है? मैं बहुत रुक के कथा कह रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना धीमे कथा कहता नहीं हूँ, मैं स्पीड में चलता हूँ, लेकिन ये रुद्राक्ष महत्व में है, हर बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी अपनी रफ्तार कम की है इसमें। इसका एक एक पॉइंट समझ में आ जावे तो ये आप सातमुखी रुद्राक्ष की महिमा सुन रहे हैं। एक बार श्लोक और बोल दूं, सप्त वक्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामता। हनुमान नहीं मानेगा? सप्त वक्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामता, धारणातस्य देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवे। तो सातमुखी रुद्राक्ष है, वो दरिद्रता का नाश करता है, आनंद कर देता है। तो यह आप पहनिए या आप पूजिए, दोनों में से कुछ भी कीजिए, दोनों काम कर सकते हो, पूजा में भी रख सकते हो और एक रुद्राक्ष इसमें पहन भी सकते हो। मान लिया जाए आप पांचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जो सुमेरु की जगह होती है ना नीचे, इसको यहाँ डाल लो, नीचे यहाँ यहां बनवा लो इसको यहां। अब मुझे तो रुपए की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं सातमुखी रुद्राक्ष डाल देता। हाँ, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे तो माला की जरूरत है। माल तो आपके लिए चाहिए, माला होगी मेरी और माल होगा आपका। जब माल और माला दोनों आपस में मिलेंगे तो बहुत बड़ा संगम हो जाएगा। तो मैं तो पांचमुखी ही पहन लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं ना कि मेरा लास्ट समय, मेरी लास्ट में मृत्यु मुस्कुराती हुई आवे। हाँ, मौत तो सबकी ही बढ़िया होनी चाहिए, अंत बढ़िया हो। पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा है, मरने के बाद भी लोग जिंदे रहते हैं, उनकी अच्छाइयां जीवित रहती हैं। मेरी माला में पांचमुखी रुद्राक्ष है और मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति। चारों रंग के हैं इसमें, सफेद भी है, लाल भी है, पीला भी है और सांवला भी है। सफेद मुझे थोड़ा विचारों की जरूरत है, लाल मुझे शक्ति की जरूरत है और पीत पीला। आप बता सकते हैं पीला काय के लिए है? काय के लिए बुलाया था पीता? पीला धन, पैसा आवे उसको धर्म में लगाने की जरूरत है, और सांवला हमें सेवा की जरूरत है। आप इसके नीचे, इसका जो सुमेरु है जो नीचे लटकता है, उसको आप पेंडल बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उसमें सातमुखी रुद्राक्ष लगा लीजिए नीचे माला में। ना लगाओ तो पूजा में रख लीजिए। दरिद्रोही स्वरो भवेत, ये दरिद्रता का नाश कर देता है, ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। अब आइए आठ मुखी रुद्राक्ष, इसकी क्या महिमा है? रुद्राक्ष अष्टांश वक्त्रश वसु मूर्तेश भैरव, धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति सुलभ्रत। जिनकी जन्मपत्री में ये बोल दिया कि उम्र कम है, जो महामृत्युंजय काम करता है तो वही काम आठ मुखी रुद्राक्ष करता है। तो वर्णन है कि पूर्णायु अमृतो भवति सुलभ्रत, पूर्ण उम्र पूरी आयु जी करके जावे, कभी कोई अकाल मृत्यु दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है,
आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर यह पूर्ण आयु प्रदानित करता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। ये पूरी कथाएं सुनकर के तो लगता है कि एक भी रुद्राक्ष छोड़ने के लायक नहीं है, सिगरे ही पहनने के लायक है। हाँ, इसको सुन के यही लगता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। अब देखो, लंबी उम्र कौन नहीं जीना चाहता, सब चाहते हैं। तो आठ, और मैं कहूँगा जो ज़्यादा बाहर रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, वाहन पर चलते हैं, घर से ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, यात्रा में रहते हैं, तो जो अष्टधा मुखी जो रुद्राक्ष है, जो आठ मुखी रुद्राक्ष है, यह लोगों के लिए कवच बन करके रहता है। पूर्ण आयु इससे मिलती है, इससे अकाल मृत्युआ नहीं होती। आठमुखी रुद्राक्ष धारण करने से लोग आत्महत्या नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी माताओं को आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये सल्फास की धमकी ज्यादा देती हैं, इसलिए। चूहा मार दवाई, अरे थोड़ी सी अनबन हो जाए घर में और मरने की धमकी। माताओं के पास ये हथियार तो इतना बड़ा है और आदमी यहीं परास्त हो गया। ऑफिस में तो बहुत बड़ा आदमी है ये, बाहर दफ्तर में इतना बड़ा आदमी घरवाली के सामने भींगी चुखरिया की तरह बैठता है। क्यों? वो यही परास्त है कि घरवाली मरने की धमकी दे देती है। जो मेरे श्रोता हैं, मैं हृदय पर हाथ रख करके कह रहा हूं, जीवन में कितनी भी परेशानियां आवे सहन कर लेना, लेकिन जिंदगी में कभी आत्महत्या मत करना, क्योंकि आत्महत्या करने वालों का उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है, उन्हें भटकना पड़ता है, उनका यह लोक परलोक सब खत्म हो जाता है। आत्महत्या कोई जीवन का समाधान है? नहीं, जिंदगी है, संघर्षों के साथ जियो। अरे रामकृष्ण आए, उनके जीवन में संघर्षों की कमी रही क्या? जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला था, उसको सुना दिया गया कि वन को 14 साल के लिए चले जाओ, किसी गांव के बीच से नहीं जाओगे, किसी नगर के बीच से नहीं जाओगे, बाहर आम शहर से स्वीकार कर लिया। उस कृष्ण को देखिए जिसका जन्म ही कारागृह में होता है। संघर्षों में कमी रही क्या? है जन्मे कहीं, पले कहीं, रहे कहीं, कृष्ण का संघर्ष देखिए। बड़े बड़े देवों की कथाएं आपने सुनी है, जितना संघर्षशील जीवन राम कृष्ण का रहा है, ऐसा संघर्ष किसी को जीवन में देखने को मिलता नहीं है। देखें कहाँ भगवान, कुछ दिन नंदगांव में, कुछ दिन मथुरा जी में, कुछ समय द्वारका जी में। दैत्य राक्षस हमेशा धावा ही बोला करते थे, टापू के बीच में जहाँ पीने को पानी भी नहीं था, भगवान वहाँ जा कर के सागर के बीच में उन्होंने श्री द्वारका जी को बसाया। कितने पापड़ बेले, कितनी परेशानियां बेली। आदमी तो परेशानियों में निखरता है, मनुष्य ही तो है जो परेशानियों को चुनौती देता है। क्या परेशानियां हम लोगों के जीवन में नहीं आती? बहुत आती हैं, लेकिन हम लोगों ने इनके साथ मुकाबला करना सीखा है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। हिम्मत मत हारना, प्रभु के नाम को विस्मृत मत करना, आपको हर चौराहे पर सफलता फूलों की माला लिए हुए खड़ी होगी आपके लिए। आपके स्वागत, आपके साथ। हिम्मत रखिए। आज अमावस्या है, कल पूर्णमासी आएगी, अभी रात कल प्रभात होगा, दिन होगा, इंतजार कीजिए। हमारे गांवों की कहावत में कहा जाता है कि 12 साल के बाद तो जहां गोबर डाला जाता है उसको घूरा बोलते हैं, उसका भी समय बदल जाता है, उसकी भी पूजा होती है, दूल्हे से उसकी पूजा करवाई जाती है। छोटी अमावस्या को वहां दिया जला के रखा जाता है, जहां गोबर कूड़ा डलता है उसकी पूजा होती है। तुम्हें आदर क्यों नहीं मिलेगा दुनिया में? इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा में बहुत आनंद है। परीक्षा देते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, एक दिन सफलता तुम्हें किसी चौराहे पर खड़ी हुई नजर आएगी। तो जो आठ मुखी जो रुद्राक्ष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को अकाल मृत्यु से बचाने का काम करता है, पूर्ण उम्र देता है, पूर्ण आयु देता है।
वह लोग बड़े बड़भागी हैं जो पूरा उम्र पूरा जीवन जी करके जाते हैं, समय से पहले दुनिया छोड़ के न जाएं, अपने समय पर जाएं। उसके लिए धर्म सत्कर्म की जरूरत होती है, अच्छा जीवन संयमित जीवन जीने की जरूरत होती है उसके लिए। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, कहा गया है कि धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवत शूल व्रत। इसको धारण करने से पूर्ण आयु प्राप्त होती है, लंबी उम्र दीर्घायु प्राप्त होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। कहीं किसी ज्योतिषी ने यह बोल दिया हो कि जन्म पत्री में उम्र कम है, डरना मत, बिल्कुल बिल्कुल मत घबराना। दो उपाय मैं बताई देता हूं, क्या क्या दोनों उपाय। एक तो हर अमावस्या को जिसकी कुंडली में ऐसा बोल दिया गया है, एक लोटे में पानी भरो, सात बार उसके ऊपर घुमा दो जिसकी उम्र कम बताई है, गौ माता के खूंटे पर चढ़ा दो, जिस पर गौ माता बंधती है उसके खूंटे पर वो पानी छोड़ दो, उसकी अल्प योग्यता का जो बना हुआ है, अल्प आयु का कुयोग बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। वो दुनिया भर की घटनाओं से बच जाएगा, वो ऐसा कर लिया जाए। और एक अष्टमुखी रुद्राक्ष यह भी पूर्ण आयु को प्रदानित करता है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। बोलो कोटेश्वरनाथ भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्याम। अब इसके बाद में है नौ मुखी रुद्राक्ष, इसकी भी बड़ी महिमाएं। भैरवो नव वक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृता दुर्गावातदिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं देवी नौ मुख वाला रुद्राक्ष दो नाम से जाना जाता है, एक भैरव एक कपिल, कपिल कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है। उसकी अधिष्ठात्री भी हे देवी तुम ही हो। इसको धारण करने से मानव पूर्ण आयु को भी प्राप्त होता है और मृत्यु के तत्पश्चात वो यमराज के घर नहीं, हे देवी वो अपने इष्ट के भवन की तरफ प्रस्थान करता है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। दुर्गावात अधिष्ठात्री ही नव रूपा महेश्वरी तम धारयेत वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्पर सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशय। नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला हे देवी वो साक्षात मेरे ही तरह हो जाता है। भक्ति भाव के साथ उसको ये रुद्राक्ष बाएं हाथ में बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। नौ मुखी रुद्राक्ष है वो बाईं भुजा में धारण किया जाता है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, ये दोनों इसको बाईं भुजा में धारण करते हैं। निसंदेह वो मेरे ही समान सर्वेश्वर हो जाता है, समाज में उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी महिमा हो जाती है। नौ मुखी रुद्राक्ष मृत्यु के तत्पश्चात उसको अपने इष्ट के लोक में पहुंचा देता है। नवमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, मेरी इस रुद्राक्ष के प्रति भी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मृत्यु के तत्पश्चात हर पुरुष को स्त्री पुरुष को अपने इष्ट के चरणों तक पहुंचना ही चाहिए। ये जीवन इसीलिए ही तो एक अंत में हम अपने भगवान के पास तक पहुंच जाएं। एक बेटी को पाला है, लालन पालन किया, उसको बड़ा किया, और हर माता पिता का धर्म कर्म यही तो बनता है कि उस बेटी को उसके पति से जोड़ दिया जावे। जैसे एक कन्या बड़ी होकर पति को पाकर के अति प्रसन्न होती है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के चरणों में पहुंच करके अति प्रसन्न होता है, अति खुशी मनाता है और धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य उसको पूरा हो जाता है जब वो अपने इष्ट के चरणों तक पहुंच जाता है।
ये नौमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। आप कीर्तन का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, जब तक 14 मुखी व्याख्यान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कमर नहीं मटकेगी, तब तक बैठे रहो, हाँ तब तक रुद्राक्ष महिमा सुनो, थोड़ा इनको दिखाते रहो सबको। ये सब कम्बल बम्बल तो वृंदावन में बट गए, ये दिखाओ ये सब इधर, इनको एक एक चेहरे पर लगा दो कैमरा, ये भी लगा दो दूसरा वाला, ये लगाओ कैमरा। परिसर बहुत बड़ा है और थोड़ी बड़ी वाली डोरी हो इसमें तो खींच करके बीच में रख दो एक कैमरा। इनके फोन आते हैं, मम्मी तुम तो दिख ही नहीं है, मम्मी बैठी है वहाँ किलोमीटर दूर, ये खींच के ले जाओ डोरी पीछे तक, वहाँ तक जो सो रहे हों उनको मत दिखाना, ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारी टूटी फूटी भाषा सुनकर के आपको हंसी तो आती होगी, अब क्या करें भाषा ही ऐसी है। ले जा भाई पीछे तक ले जा। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। रामेश्वरनाथ भगवान की जय हो। थोड़ी पटरी खाली कर दो, कैमरा पीछे जा रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैंने अग्रवालों के यहाँ सबसे ज्यादा कथाएं करी हैं, सुनो 26 साल में। ये जितने भी अग्रवाल मुझे सुन रहे हैं कान का ढक्कन खोल के सुनो, मैंने बहुत कथाएं करी हैं, तुम्हारे पुरखों को बहुत कथाएं सुनाई हैं, और बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी कथाएं, साहब के पुरखों को तार दिया सुना सुना के कथाएं, ये तो सबके यहाँ करी है। लेकिन सबसे ज्यादा अग्रवालों की कथा, माहेश्वरियों की कथा मैंने बहुत करी है। अग्रवा धाम में होने वाला आयोजन बाबा अग्रसेन जी महाराज के सानिध्य में होने के लिए जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा है इसलिए, और बहुत बड़ा, हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन जाए। आज यह कैंसर की बीमारी लोगों के लिए जानलेवा बन रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, लोग समाप्त होते हुए जा रहे हैं, वृंदावन की धरती का वरदान उस मरीज को मिलेगा। मैंने सुना है कि अग्रोहा की ईंट, वहां से ईंट लेकर के जो कोई चलता है निर्माण कभी रुकता नहीं है, वहां का आशीर्वाद लेकर के चलता है तो काम कभी रुकता नहीं है, वहां लक्ष्मी माता सिद्ध होकर बैठी है अग्रोहा में। अग्रसेन जी महाराज के द्वारा स्थापित इतना अद्भुत जो स्थान तुलसीवन आश्रम भी कैंसर हॉस्पिटल की नीम की ईंट अग्रोहा धाम से रखने को जा रहा है, कम से कम 25,000 लोग उसमें कम से कम बैठे, इतना बड़ा पंडाल बनाया जाएगा, लोगों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था, दोनों शिफ्ट में कथा होगी, 10 बजे से 1 बजे तक होगी सत्संग टीवी पर, और 4 बजे से 7 बजे तक होगी संस्कार टीवी पर। विशाल आयोजन होगा, अग्रोहा धाम हिसार से 15 किलोमीटर है ये स्थान, ऑन रोड पर है। हिंदुस्तान और प्रदेश में रहने वाले जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, अग्रवाल लोग सुन पा रहे हैं, तो मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक, मैं 26 वर्ष में ये बात पहली बार बोल रहा हूं, इतना बड़ा यह कार्य है, यह तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो पाएगा, सहयोग पूरी दुनिया करती है लेकिन तुम जनों के द्वारा अग्रवाल माहेश्वरी, जहां धर्मशालाओं में मंदिरों में देखा जाए तो आपका बहुत बढ़ चढ़ करके हिसाब रहा है हमेशा से, और यह मुंह देखी बात नहीं है, धर्म को आगे पहुंचाने में आपका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है।
महाभारत के युद्ध में अग्रसेन जी महाराज ने 7 दिन युद्ध लड़ा था पांडवों की तरफ से। भगवान वेदव्यास आकर के प्रकट हुए थे और उन्होंने यह कहा था, उन्होंने यह बोला था, किसी भी जाति और धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, अग्रसेन जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा रखेगा, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। मेरे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैंने उनकी जयंतियों में बहुत भाग लिया है। यहाँ की धरती से मैं महाराजा अग्रसेन जी महाराज के लिए भी कुछ बातें करूँगा, कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कहूँगा। उनके निमित्त मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है और इसमें दिल खोल करके जो ये अस्पताल बन रहा है, इस अस्पताल की लागत 50-60 करोड़ रुपया से कम नहीं आएगी, हो सकता है 100 करोड़ भी लग जाए इसमें। इतना बड़ा यह कार्य है, हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल हो।